तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बेहद मुखर हैं इस वक्त। आज भी उन्होंने सर्वे को लेकर कई बयान दिए। ओवैसी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद में निचली अदालत के आदेश से सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल उठाया है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। हैदराबाद में हम ओवैसी साहब के साथ हैं इस पर बात करने के लिए। ओवैसी साहब, निचली अदालत के आदेश के मुताबिक सर्वे का काम हो रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्यों इस पर एतराज जता रहे हैं? कोर्ट को तो ये चाहिए था कि वो इस पिटीशन को खारिज कर देते, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। कोर्ट को तो एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था इस तरह के फ्रिवोलस पिटीशन को, वो एक एक्ट का वायलेशन है। दूसरा, बाबरी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट में कहा गया कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। लोअर कोर्ट कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? इसीलिए हम उस सर्वे की कोर्ट के फैसले के हम खिलाफ हैं। और वो फैसला अगर आप जो सर्वे का लिए हैं, आपने खुद अपने चैनल्स पर दिखाया कि पहले से ज़्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद को चले गए। जुमा होता था मगर इस जुमे में पहले से ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि उनको ये अप्रिहेंशन हो गया कि भाई हमारी मस्जिद को छीना जा रहा है, हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, इस पर आप नज़रें लगाए बैठे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो मिलेनियल जनरेशन है, मेरे जनरेशन ने हमारी मेमोरीज ख़राब हैं, हमने प्री और पोस्ट डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की तबाही और बर्बादी देखी। कम से कम इस जनरेशन को तो उस आग में मत झोंकिए। आप क्यों उस देश को पीछे ले जाना चाहते हो, उन तमाम दर्दनाक वाकयात को जो हुए उसमें फिर ले जाना चाहते हैं क्या उसको? आपने जो कहा कि मुस्लिम डरे हुए हैं, डरे नहीं है, मुसलमानों को इस बात का एक खदशा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, और जो बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, कोई मुसलमान पिटिशनर नहीं था वहाँ पर, राजीव गांधी की सरकार थी, उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, कई पेजेस का ऑर्डर सिर्फ चंद मिनटों में दे दिया गया और हमको सुना भी नहीं गया, और उसके बाद तो देखा आपने क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कानून बन चुका है, लोअर कोर्ट को ये चाहिए था कि उस पिटिशन को खारिज कर देते। भाई आप कानून के खिलाफ कैसे आप सर्वे कराएंगे? आप क्यों वहां पर जाकर एक नया एक तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं आप? लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं सर कि जो निचली अदालत के जो जज हैं, उन्हें भी कानून की जानकारी होगी, अगर रोज अगर उनके आदेश पर ये सर्वे हो रहा है तो क्या होने ना दिया जाए? ज़रूर, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर उनके फैसले के हम खिलाफ हैं, ये मेरा संवैधानिक राइट है। और मुझे मेरे मानना यह है कि उनको 91 के एक्ट को सामने रखना चाहिए था। ABP News, आपको रखे आगे।